वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब की धरती ते जो जुलम मौजूदा सरकार वालों किया जा रहा है, जो मौजूदा सरकार वालों जो जुलम किया जा रहा है, ये 18 मार्च तो आरंभ हो गया सीगा, जिहदी मीटिंग आपां 27 मार्च नूं कर रहे हैं। सो मैं एक तो बेनती करूँगा, सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी नाल एस जी पी सी प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी बैठे है, कि जिथे वह साढ़े बेकसूर फड़े गए नौजवानों की कानूनी पैरवाई आप करनी है, उत्थे बहुत सारे यहोजे नौजवान भी ने जिहड़े परिवार के विचों एक एक सी उही जो कमाउंदा सी सारा परिवार खांदा सीगा। सो इसलिए जिहड़ा गुरु की गोलक का मूँह है, आपां उस पासे भी थोड़ा जिहा करना है। उन्हां दा आर्थिक पक्ष है जिहड़ा, वह भी सानू ध्यान विच रहे, क्योंकि वह बिना किसी कारण तो इदां ही वड्डियां वड्डियां NSA वर्गियां धारावां ला के जिहड़ा कीता गया। तो मैं सिर्फ दो बेनतियां करनियां चाहुंदा कि यानी हरप्रीत सिंह जी, आप जी बार बार एक गल कहिंदे हो कि कौम जिहड़ी है वह साडे नाल खड़े, तो जथेदार अज भी 18वीं सदी वाली भूमिका निभा सकदा है। और जे अज मैं गुरु पातशाह नूं हाजर नाजर जाण के ये गल कह रहा कि मैं इत्थे तुहाडे कोल पहुंचिया, तो इहदा मतलब ये है असी वो बंदे हाँ जिन्हां नूं आप जी की अगवाई विच होईयां सकत्रेत दीआं मीटिंगां दे विच भी बेअदबी दे दोषी तक साबित करन दा यतन कीता जांदा रिहा पिछले समयां दे विच एस जी पी सी प्रधान वल्लों। इहदे बावजूद असी सारा कुछ भुल भुला के जे अज इत्थे तुहाडे कोल आए हाँ, तो बड़ी वड्डी उम्मीद दे नाल आए हाँ। इसलिए मैं हथ बन के बेनती करांगा, गुरु साहिब अगे अरदास भी करदा कि आप जी अकाली फूला सिंह जिस दिन तुहाडे विचों झलकण लग पिया सानू, आप मुहारे कौम ने तुहाडे नाल खड़ जाना है। तीसरी मेरी बेनती हथ बन के है कि अज जिहड़ी मीटिंग हो रही है अपनी बहुत सोहणे माहौल दे विच, जरूरी नहीं कि मेरे विचारां नाल तुसीं सारे सहमत होवो, इस तरह दीआं मीटिंगां दा जिहड़ा पंथ दे उत्ते भीड़ तों बिना आम हालातां दे विच वी जिहड़ा प्रबंध है वह होना चाहीदा है। और मैं हथ बन के भी बेनती करदा, कोई वड्डा इकट्ठ कोई जिहड़ा है वह तुसीं जरूर उलीको, जिहदे विच सारियां जथेबंदियां भावें वह पोलीटिकल लोग भी होण, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब है, मीरी पीरी का सिद्धांत है, तो फिर उन्हां नूं भी सद्दा दित्ता जाए। और इन्हीं मेरिया बेनतियां ने, भुलां चुकां लई माफ़ी चाहांगा। अमृतपाल सिंह दे परिवार दे नाल सानू डट के खड़ना चाहिए, जिन्ना जिहदा कसूर है असी कहीए कि उन्नी उहनूं सज़ा दिओ, पर जो ये सख्त जो कुछ किया जा रहा है बेगानगी का अहसास है करवाया जा रहा है, और मैनूं पूरी उम्मीद है कि गुरु पातशाह बख्शिश करनगे, यानी हरप्रीत सिंह जी सुचजे ढंग नाल कौम की अगवाई करते हुए सानू सारयां नूं तुहाडे ते माण होवे, क्योंकि ये कुर्सियां भावें धार्मिक होण जां पोलीटिकल होण सदा तो रहणियां नहीं, असी गुरु नूं सारे जवाब दे आ। भुलां चुकां लई माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।